बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर चुकी है। हालांकि 195 नामों की पहली सूची के मुकाबले इसमें सिर्फ 72 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। एक और जहां भाजपा के घोषित उम्मीदवारों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं 2019 में जीत हासिल करने वाले नामों का बड़ी संख्या में पत्ता कटना भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आंकड़े बता रहे हैं कि भाजपा दो सूचियों में ही करीब 21% सांसदों के टिकट काट चुकी है। चौंकाने वाले आंकड़े 2 मार्च को जारी हुए। 195 नामों की पहली सूची में भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, दिल्ली से प्रवेश वर्मा और चर्चा में रहे रमेश बिदोड़ी समेत 33 सांसदों का टिकट काट दिया था। वहीं 72 नामों की नई सूची में टिकट कटने वाले सांसदों की संख्या 30 पहुंच गई है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा ने अब तक 21% सिटिंग MPs को उनके क्षेत्र से दोबारा नहीं उतारने का फैसला किया है। राज्यवार समझे स्थिति। दिल्ली की 7 सीटों पर भाजपा ने सिर्फ मनोज तिवारी को छोड़कर सभी नए प्रत्याशियों को मौका दिया। दूसरी सूची में घोषित कर्नाटक के 20 नामों में से सिर्फ 8 को दोबारा मौका मिला। दूसरी लिस्ट में घोषित हरियाणा के 6 में से 3 को दोबारा मौका मिला और 2 सांसद बदले गए। एक मौजूदा सांसद के निधन के चलते नए उम्मीदवारों को भी उतारा गया है। 2019 लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में 4 सीटें जीतने वाली भाजपा ने एक ही सांसद को रिपीट किया है। दूसरी लिस्ट में मध्य प्रदेश के 5 नाम शामिल हैं। इनमें 2 सांसदों को दोबारा मैदान में उतारा गया है। एक और जहां हिमाचल प्रदेश में दोनों सिटिंग सांसदों को दोबारा टिकट मिला है, वहीं उत्तराखंड में दोनों सांसदों के टिकट कट गए। लेकिन इसकी वजह क्या है? NDTV की रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भाजपा जमीनी स्तर पर मिल रहे फीडबैक के आधार पर फैसले ले रही है। एक और जहां भाजपा ने अगुवाई वाले NDA की यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के लिए 400 से ज्यादा सीटों का लक्ष्य रखा है, वहीं खुद के लिए 370 से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने 2019 में 303 सीटें अपने नाम की थी।